गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम लोग फिश क्लासिफिकेशन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। आपसे हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में, जब हमने आपको फिश के कैरेक्टर्स बताए थे, सारे जो उसके लाक्षणिक गुण होते हैं मछलियों के वो हमने डिस्कस किए थे, और इसके अलावा एक जो आउटलाइन क्लासिफिकेशन का है, जो ब्रॉड आउटलाइन क्लासिफिकेशन का, वो हमने डिस्कस किया था। अब आज हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। हम एक एक क्लास को देखना शुरू करेंगे आज से, एक दो क्लास में ये भी खत्म होगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया था बर्ग क्लासिफिकेशन के हिसाब से, तो मछलियों के सात क्लासेस थे। सात क्लासेस में एक जो प्लैकोडर्म वाला जो क्लास था, क्लास नहीं कहना चाहिए बल्कि तीन क्लास का एक ग्रुप था जिसको हम प्लैकोडर्मी बोलते थे। उसमें आते थे कॉक्सोस्टाई, और ये था क्या कहते हैं टेरिक्थिस था, और एक एंथोडी था। तो एक एंथोडी जो है उसको प्लैकोडर्म का एक सिनोनिमस भी माना जाता है। तो तीन थे, लेकिन हम यहाँ तीन की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो क्लास है इसका डिटेल में वर्णन करना या उसको जानना अभी आपके सिलेबस के हिसाब से या आपके जो पार्ट है आपको जो पढ़ना है उसके हिसाब से ज्यादा प्रासंगिक नहीं है। तो हम लोग सिंपल जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं किसी भी प्लैकोडर्म के, हम उसका डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद जो ज्यादा रेलेवेंट मछलियां हैं जिसमें कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस आती हैं, हम उसकी चर्चा थोड़ी डिटेल में करेंगे। तो जैसे कि प्लैकोडर्मी, डर्मी का मतलब होता है बाहरी आवरण या चमड़ा, ठीक है, और प्लैको मतलब होता है प्लाक मतलब पट्टी, कोई प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। ये हम पहले आपको बता चुके हैं जब हमने मछलियों का ब्रॉड आउटलाइन बताया था कि इसमें सारी वो मछलियां हैं जो आज की तारीख में दे हैव गॉन इन एक्सटिंक्ट, मतलब ये सारी की सारी मछलियां विलुप्त हो चुकी हैं। इनको हम आर्मर्ड फिश यानी कवच युक्त मछलियां भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो देखिए ये जो बाहरी आवरण पे ये देखिए ये सारी जो बोनी प्लेट्स है ना, ये बोन्स के बने हुए, बोन लाइक स्ट्रक्चर के बने हुए बहुत कठोर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है ना, पट्टिका जैसी एक संरचना है, और दीज आर द आर्मर्स ऑफ दिस फिश। तो इसकी उपस्थिति के कारण इसका जो एक्जोस्केलेटन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बोनी प्लेट्स और सील्ड, जैसे कि पहले पुराने जमाने में जो योद्धा होते थे वो अपने पूरे शरीर पर लड़ाई के वक्त जैसे कवच पहनते थे, उसी प्रकार का कवच इसके मछलियों के शरीर पर है, उसको हम अंग्रेजी में आर्मर बोलते हैं, और इसीलिए इसको हम आर्मर्ड फिश कहते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि इसका जो एंडोस्केलेटन है, इसका जो अंतःकंकाल है, ये बोनी है। बोनी मतलब अस्थियों का बना हुआ है। हमने आपसे कहा था कि मछलियों का जो समूह है वो ब्रॉडली दो कैटेगरी में बांटा जाता है, दो श्रेणियों में बांटा जाता है। एक होते हैं जिसके अंतःकंकाल पूरी तरह से उपास्थि या कार्टिलेज के बने होते हैं, और दूसरी वो ग्रुप मछलियां हैं जो जिनके कंकाल की अस्थि के बने होते हैं, जो अभी लिविंग मछलियां हैं वो। ये जो एक्सटिंक्ट मछलियां हैं इसमें भी देखा यह जाता था कि इनका जो अंतःकंकाल था वो अस्थि का बना हुआ था, बोन्स का बना हुआ था। उसके अलावा होता क्या है कि इसमें जो गिल स्लिट्स यानी कि जो क्लोम छिद्र जो बनते हैं मछलियों के अपने मुंह के साइड में सांस लेने के लिए, जो क्लोम छिद्र या गिल स्लिट्स बने होते हैं, उसमें कई आर्चेज होते हैं, जैसे मैंडिबल आर्च होता है, हायर्ड आर्च होता है, फिर ब्रैंकियल आर्च होता है, तो ये सारे आर्च मिलके बनाते हैं। आमतौर पर जो हायर्ड आर्च है उसमें गिल स्लिट्स जो है वो बंद हो जाता है मॉडर्न मछलियों में जो गिल का क्लोम हायर्ड के आर्च से नहीं बनता, ये कमी हम बताएंगे जब हम मछलियों का बोनी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे या मछलियों के बोन्स के बारे में पढ़ेंगे कल प्रैक्टिकल क्लास में। तो इसमें हायर्ड गिल स्लिट कंप्लीट होता है और ये रिड्यूस नहीं होता, जैसे मॉडर्न मछलियों की तरह क्या होता है कि सबसे ऊपर वाला जो गिल छिद्र है
जो हार्ड आर्च का बना होता है या पूरा का पूरा बना होता है, मॉडर्न मछलियों में वो छिद्र बंद हो गया है, जो ब्रैंकियल आर्चेज हैं उनके छिद्र दिखाई पड़ते हैं। उसी प्रकार से जॉ सस्पेंशन, जो जबड़े होते हैं वो किस प्रकार से हेड के साथ लगे होते हैं, उसको हम जॉ सस्पेंशन कहते हैं। ये चार पांच तरह के होते हैं और आपको ये याद रखना चाहिए कि यहां पर जो जॉ सस्पेंशन, ये भी हम एक क्लास में पढ़ेंगे, इसका मैं अलग से एक क्लास दूंगा जब मैं जॉ सस्पेंशन आपको बताऊंगा। इसमें जो जॉ सस्पेंशन है दैट इज ऑटो डिस्टाइलिक, ये नाम आपको याद करना पड़ेगा, इसकी हिंदी नहीं है, ऑटो डिस्टाइलिक, ये जो जबड़े का जो सस्पेंशन है ये ऑटो डिस्टाइलिक होता है। और इसका टेल देखिए, टेल आमतौर पर अगर टेल, अगर मान लीजिए मछली की बॉडी ऐसी है और यहां पर दोनों पालियां अगर एक जैसी हों तो इसको होमो सर्कल कहेंगे, लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे हो, ये पाली जो है इधर क्या कहते हैं जो फिन है, फिन जैसी संरचना है वो इधर कम है और इधर ज्यादा है, मतलब दोनों तरफ जो फिन जैसी संरचना है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक सा नहीं है, इसलिए इस प्रकार का जो टेल होता है जिसमें एक तरफ ये थोड़ा सा फिन ज्यादा होता है दूसरी तरफ कम होता है, इसको हम हेट्रोसर्कल टेल बोलते हैं। और इस तरह के टेल जो है ये कॉडल फिन कहलाता है, ये कॉडल फिन इसका हेट्रोसर्कल है, मतलब जो फिन जो है वो बराबर बराबर नहीं है इस जो मछली हमने बनाया है, बल्कि इसमें एक तरफ ज्यादा है और एक तरफ कम है। उसी प्रकार से जो हार्ड आर्च होता है, ये नॉर्मली हार्ड आर्च दूसरी मछलियों में उसके मुख की संरचना या जबड़े को बनाने में काम आता है, लेकिन यहां पर ये हार्ड आर्च जो है वो जॉ को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसमें बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का, बहुत ही प्राथमिक स्तर का जबड़ा दिखाई पड़ता है। ये जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ जियोलॉजिकल एरा है जिसमें ये पाए जाते हैं, जैसे परमियन से लेकर के पेलियोजोई के एरा तक ये पाए जाते थे, ये जब आप थर्ड ईयर में जाएंगे तो आप जियोलॉजिकल एरा पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल है क्लाइमेटियस एंड बुथेरियोलेफिस, ठीक है, ये सारी मछली है, चित्र है, इसके लेवलिंग भी किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम आते हैं तो दूसरा क्लास है, दैट इज कॉन्ड्रिक्थिस। अब कॉन्ड्रिक्थिस जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से कॉन्ड्रिक्थिस में दो ग्रुप आते हैं, एक होता है इलास्मोब्रैंक, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, जो वर्ग वाले क्लासिफिकेशन में इलास्मोब्रैंका एंड होलोसिफेराई, ये दो वर्ग थे जिनको मिला करके अब कॉन्ड्रिक्थिस कर दिया गया, ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। तो अभी हम उस क्लास की चर्चा करेंगे जिसमें सारे सारे वो मछलियां हैं जिनका जो अंतः कंकाल है वो कार्टिलेज या उपास्थि का बना होता है, ठीक है। इसमें जैसे मैंने कहा कि इलास्मोब्रोंकाई तो आएंगे ही और साथ साथ में होलोसिफेलाई भी आएंगे। आपकी किताब में थोड़ा सा देखिए उसको, जो बर्क का क्लासिफिकेशन है इसमें इलास्मोब्रोंकाई और होलोसिफेलाई मैंने अलग बताया था, लेकिन इसको कॉन्ड्रिक्थिस में एक कर दिया गया, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, उसका वीडियो आप देख सकते हैं। ये मछलियां पूरी तरह से समुद्र में पाई जाती हैं, दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, मतलब वी कांट फाइंड दीज फिश इन अ फ्रेश वाटर बॉडी, हम तालाब में, झील में, नहर में, ऐसी जगहों पे मीठा पानी जहां भी होगा वहां पर ये मछलियां बिल्कुल नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ वहीं मिलेंगी जहां समुद्री जल है। उसके बाद जो एक्जोस्केलेटन है इसका, जो अंतः कंकाल है, सॉरी एक्जो बाह्य कंकाल है, ये प्लेक्वाइड स्केल का बना होता है। मछलियों में चार पांच तरह के स्केल्स या शल्क पाए जाते हैं, और ये जो शल्क होता है ये जो पाया जाता है चार पांच तरह के होते हैं, गैनोइड है, टिनोइड है, कॉस्मोइड है, कई तरह के हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो कॉन्ड्रिक्थिस की मछलियां हैं उसमें एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ प्लेक्वाइड टाइप का स्केल मिलेगा, और ये प्रैक्टिकल क्लास में भी आपको इसका एक स्लाइड बनाना है। इसका एंडोस्केल्टन जो होता है कार्टिलेज या उपास्थि का बना होता है, ठीक है। जॉ सस्पेंशन उसमें एम्फीडिस्टाइलिक था ब्लैकोडर में, यहां पर हायोस्टाइलिक ज्यादा होता है, ज्यादातर जो शार्क वार्क मछलियां होती है हायोस्टाइलिक, या फिर कुछ मछलियां ऐसी हैं जिसमें एम्फीडिस्टाइलिक होता है। इसमें पांच से लेकर के सात पेयर तक गिल उपस्थित होते हैं। अब ध्यान दीजिए यहां पर, ये एक मछली हमने आपके लिए फोटो लगाया हुआ है, देखिए दो तीन चीजें ध्यान दीजिए। एक तो इस मछली का जो माउथ है
वो वेंट्रल है। दूसरी मछली में उसका माउथ यहां होता है टर्मिनल, जो मछलियां मार्केट में मिलती हैं। इसका एक तो माउथ आप सिर्फ देख करके कह सकते हैं कि ये मछली कॉन्ड्रिक्थिस की है। एक तो इसका मुंह देखिए, माउथ की ओपनिंग कहां है इसके, माउथ का ओपनिंग इसका पेट की तरफ मतलब वेंट्रल साइड में है। दूसरा इसका गिल स्लिट्स यहां पे देखिए, गिल छिद्र आपको दिख रहे हैं, गिल छिद्र के ऊपर कोई भी अपर कुलम जैसे कि दूसरी मछलियों में होता था, एक जो वो जो मछलियों में गिल छिद्र होता था वो गिल छिद्र जो है उसके ऊपर कोई अपर कुलम या कोई ऊपर में कवर नहीं है, ठीक है। तीसरा इसका टेल, अभी हमने आपको हेट्रोसर्कल टेल बताया, तो टेल भी इसका हेट्रोसर्कल है, ठीक है। इसका टेल हेट्रोसर्कल है, गिल के ऊपर कोई अपर कुलम नहीं है और इसका जो माउथ है ये वेंट्रल। ये तीन ऐसे कैरेक्टर हैं जिसको देख करके आप पहचान सकते हैं। इसके अलावा यहां पर जो पेल्विक फिन है इसके बीच में दो ऐसे ऑर्गन होते हैं पेयर में जिसको हम क्लैस्पर कहते हैं, और ये जब कॉपुलेशन होता है, जब प्रजनन की क्रिया होती है, तो मेल स्कॉलियोडॉन अपना स्पर्म डिपॉजिट करने के लिए फीमेल क्लोएका में उसका इस्तेमाल करता है, इसको हम क्लैस्पर बोलते हैं। तो आप देखिए कि एक्सटर्नल गिल स्लिट्स ओपनिंग अलग अलग है, पहले तो गिल की सारी सारे गिल की ओपनिंग अलग अलग है, जबकि जो अपर कुलम जहां होता था सारे गिल की ओपनिंग एक चैम्बर में खुलती थी जो अपर कुलम से ढका होता था। दूसरी बात, किसी अपर कुलम या गिल के ऊपर पाए जाने वाला जो एक कवर है वो नहीं पाया जाता। टेल इसका हेट्रोसर्कल है, मेल में क्लैस्पर पाए जाते हैं जो सिर्फ इसी मछलियों में पाए जाते हैं, दूसरी जो मछलियां हैं ऑस्टिक्थिस वगैरह में नहीं मिलता। इस मछली में एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता, एयर ब्लैडर इज एब्सेंट इन दीज फिश, ये स्कॉलियोडॉन का डायग्राम है। इसी प्रकार से आप कुछ और मछलियां देखिए, जैसे ये भी कॉन्ड्रिक्थिस की मछली है लेकिन ये होलोसिफेलाइक है, इसका नाम है काइमेरा, ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये स्कॉलियोडॉन का चित्र भी आपने देखा, इसको हम प्रिस्टिस बोलते हैं। इसके देखिए कि आगे जैसे एक सुथार का जो की जो आरी होती है उसी प्रकार से आरी जैसे इसके दांत हैं, इसलिए इसको हम सॉफ्ट फिश भी कहते हैं या फिर प्रिस्टिस कहते हैं। इसका देखिए, ये हथौड़ा मछली कही जाती है, हैमर हेडेड शार्क। इसमें भी देखिए गिल छिद्र साइड में है और आगे हथौड़े जैसा सर बना हुआ है, इसलिए हैमर हेडेड शार्क है। ये टॉर्पीडो है, इसको हम इलेक्ट्रिक रे भी कहते हैं। ये मछलियां पानी में रह करके करंट मारती है अपने को बचाने के लिए या फिर किसी शिकार को पकड़ने के लिए। उसी प्रकार से ये रेज है, एक रेज दूसरे समूह की मछली है, ये पतंग की तरह होती है। सारे के सारे कॉन्ड्रिक्थिस की मछलियां हैं। फिर आप देखिए, अब हम देखें कि जो क्लास इलास्मोब्रोंकाई है इसको हमने दो सब क्लास में बांटा है, एक है सिलाची और दूसरा है, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो सिलाची को दो वर्गों में बांटा है। ये सारे के सारे कार्टिलेजनस फिश है, इसमें जो पेक्टोरल फिन है, जो फिन उसके क्या कहते हैं डॉर्सल सॉरी ठीक गिल के पीछे जो पाए जाते हैं जो दोनों तरफ, इसमें कुछ कांटे जैसी संरचना होती है, इसको कार्टिलेजनस रॉड्स कहते हैं। फिन पूरी तरह से विकसित होते हैं, टेल इसका जो कॉडल फिन है हेट्रोसर्कल होता है। इसमें प्रोटोसिलाची है, इसमें जबड़े में इसके नुकीले दांत हुआ करते थे, एक जोड़ी में उसके नासिका खुलती थी, हाई स्टाइलिक है, एम्फी स्टाइलिक होता था और इसमें बहुत कम अब लिविंग स्पीसी बचे हैं, जैसे एक हेट्रोलेटस जो है एक अकेला शायद या दो चार और इसमें कुछ स्पीसीज हैं जो इस ऑर्डर के जिंदा हैं। दूसरा ऑर्डर है यू सिलाची, जिसमें प्लेक्वाइड स्केल पाए जाते हैं, सारी मेराइन मछलियां होती हैं और ये थोड़ा सा बड़ा ग्रुप है, तो हम देखते हैं इसको हम विभिन्न भागों में बांटा गया। एक है प्लूरो ट्रीमाटा, प्लूरो का मतलब होता है साइड में, ट्रीमा मतलब होता है छिद्र, यानी साइड में छिद्र। छिद्र किस चीज का होगा, ऑब्वियस ही बात है कि जो गिल ओपनिंग है या जो क्लोम रंध्र है उसके छिद्र होंगे। अगर क्लोम रंध्र के छिद्र जो है वो साइड में खुलते हैं, साइड में मतलब कि जो बॉडी की जो मिड लाइन है उसके साइड में खुल रहे हैं, तो उसको हम प्लीरोट्रीमाटा कहेंगे। जैसे ये हैमर हेडेड शार्क है, यहां पर देखिए ये गिल ओपनिंग आपको यहां से दिख रही होगी, है ना, यहां पर गिल ओपनिंग दिख रही है। सारे के सारे बॉडी के आप स्कॉलियोडॉन को भी देखेंगे, किसी शार्क को देखेंगे, टाइगर शार्क को देखेंगे, किसी को भी देखेंगे, उसी प्रकार से
जो दूसरी मछलियां हैं, सब में आप ये ध्यान दीजिए कि उसमें जो गिल होते हैं वो साइड में होते हैं। पेक्टोरल फिन जो होता है, ये पेक्टोरल फिन है, इसका देखिए ये जो फिन है ये पेक्टोरल फिन है, काफी विकसित होता है। और इसमें शार्क और डॉग फिश स्कॉलिडॉन को बोलते हैं, ये पाई जाती है। दूसरा हाइपो का मतलब होता है नीचे, जैसे प्लूरो का मतलब साइड में होता है, हाइपो का मतलब नीचे। इन मछलियों में आप क्या देखेंगे कि जो गिल छिद्र हैं वो शरीर में साइड में नहीं होकर के नीचे वेंट्रल साइड में खुलते थे, जिधर माउथ खुलता है माउथ के नीचे छिद्र होते हैं, गिल छिद्र होते हैं, इसलिए इसको हम हाइपोट्रिमाटा बोलते हैं, बिकॉज बॉडी के निचले साइड में वेंट्रल साइड में इसकी ओपनिंग होती है, इसमें स्केट्स आते हैं रह जाते हैं। ये बॉडी इसका फ्लैटेंड होगा, मछलियों की तरह एक नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये पतंग की तरह या चपटी डॉर्सो वेंट्रली थोड़ी चपटी मछलियां होती हैं। और पेक्टोरल फिन इनका जो होता है प्लूरोट्रिमेटा में तो खैर विकसित था, लेकिन यहाँ पेक्टोरल फिन ने पूरी तरह से बॉडी को घेर करके इतना एक्सपेंड कर जाते हैं कि आगे पता नहीं चलता कि मेन बॉडी कहाँ है और उसका फिन कहाँ है, अभी हम डायग्राम देखेंगे। और इसके गिल वेंट्रल ओपनिंग जो होता है वेंट्रल साइड में होता है, पांच होते हैं। इसमें प्रिस्टिस है जो मछली देखी थी, राइनोबेटस है, गिटार फिश होती है, टॉर्पीडो है, एक राजा करके एक स्केट्स होता है, ट्राइगोन है, रेज है कुछ, तो इसमें स्केट्स हैं और रेज हैं। अब स्केट्स और रेज देखिए, जैसे ये मछलियां हैं, ये इलेक्ट्रिक रे है, ठीक है, ये डॉर्सल साइड से दिखाया गया है, लेकिन इसके जो गिल की ओपनिंग है, देखिए मैं जहां पॉइंट कर रहा हूं, जहां मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे इस जगह पर ये यहां से यहां तक में चार ओपनिंग होती है वेंट्रल साइड में, ये डॉर्सल साइड है, इधर कोई गिल का ओपनिंग नहीं है, साइड में नहीं है। और इसमें आप देखिए मेन बॉडी तो खैर ये है, और ये जो पेक्टोरल फिन है ये सारा एक्सपेंड कर गया, यहां भी मेन बॉडी ये है और पेक्टोरल फिन सारा एक्सटेंड कर गया है। यहां देखिए ये ईगल रे है, इसमें भी इसका डॉर्सल साइड है, वेंट्रल साइड पर यहां से यहां तक इसमें गिल ओपनिंग पाई जाती है, जो यहां चित्र में बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये भी हाइपोट्रिमेटा का मेंबर है, ठीक है। अब आगे हम देखें ये कि जो रेज है और स्केट्स है, दोनों हाइपोट्रिमेटा के मेंबर है। तो रेज जो है ये अपने फिन को चिड़िया की तरह ऊपर नीचे करके उड़ते हैं, जबकि जो स्केट्स होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे मछलियों में तैरने के दौरान सिर से एक वेव उठती है पूंछ तक, वैसे करके एक वेव आगे से पीछे तक जाता है, उसके जरिए चलते हैं। इसमें जो टेल्स होते हैं आपको बार्स या स्पाइन मिलेंगे, और ये अक्सर जहरीले होते हैं, बहुत सारे जो गोताखोरों के लिए मछली बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि अक्सर ये क्या करती है, गोताखोरों के शरीर में अपने ये कांटे चुभा देती है, काफी कांटे होते हैं, इसको आप गूगल करके देखिए मछलियों को। और इससे एक डिस्कवरी चैनल पर फिल्म बनाने वाले एक जो गोताखोर थे उनकी मौत भी हो गई थी। जो स्केट्स हैं उसमें टेल थोड़े से फ्लैशी होते हैं, मांसल होते हैं, और उसमें स्पाइंस नहीं होते। दूसरी बात की ये रेज बड़े विशाल आकार की मछलियां हैं, स्केट्स आमतौर पर छोटी होती है। और दूसरी बात की स्केट्स में क्या होता है, ये ओवीपेरस नहीं, ओवोवीपेरस है, मतलब ये अंडे जो हैं वो थोड़े से अंडे से जो निकल जाती है छोटी मछलियां, तो वो इमैच्योर कंडीशन में वो उसको बर्थ देती हैं, जबकि ये ओवीपेरस है ना, हाँ सॉरी, ये ओवीपेरस मतलब ये अंडे देने वाली मछलियां, जो स्केट्स मैं ऊपर भूल गया देखना, स्केट्स जो होता है उसमें ओवीपेरस होते हैं, अंडे देते हैं, जबकि ओवोवीपेरस है मतलब ना तो ये अंडज है ना जराइज है। इसमें क्या होता है, अंडे जो होते हैं वो विकसित हो जाते हैं, विकसित होकर के प्रस्फुटन हो जाता है, और उससे जो एक इमैच्योर मछली होती है उसका जन्म होता है। तो इस प्रकार से एक कॉन्ड्रिथिस की कहानी खत्म हो गई, नेक्स्ट क्लास में हम ऑस्टिक्थिस का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।